हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फाइनली मारुति सुजुकी ने अपनी नई विटारा ब्रेज़ा फेसलिफ्ट को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। ये नई विटारा ब्रेज़ा इंडिया में टोटल अब आपको 9 वेरिएंट के साथ इंडिया में लॉन्च की गई है। इस कार में आपको टोटल LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस ऐसे 4 वेरिएंट मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको 2 ड्यूअल टोन के और 3 ऑटोमेटिक के वेरिएंट मिलने वाले हैं। टोटल होकर 9 वेरिएंट इंडिया में लॉन्च करे गए हैं। इसके अलावा इस कार के प्राइस रेंज की बात करते हैं तो इस कार का बेस वेरिएंट आपको 7.34 लाख से शुरू होकर इस कार का टॉप मॉडल ZXi प्लस ऑटोमेटिक ड्यूअल टोन आपको 11.40 लाख तक इस कार की प्राइस रेंज जाती है। मारुति ने अपने डीजल इंजन डिसकंटिन्यू करते हुए नई विटारा ब्रेज़ा में अब आपको 1.5 लीटर वाला के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलने वाला है जो करीब 105 bhp तक का पावर जनरेट करता है और 138 nm का टॉर्क। इसके अलावा इस इंजन के साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रेंड ये नई आने वाली विटारा ब्रेज़ा में मिलने वाली माइलेज के बारे में, तो ये नई विटारा ब्रेज़ा में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको 70.03 kmpl तक की माइलेज क्लेम की जाती है और ऑटोमेटिक में आपको 18.76 kmpl तक माइलेज क्लेम की जाती है। मारुति सुजुकी ने इस नई वाली विटारा ब्रेज़ा के ऑटोमेटिक में आपको अब HSVS स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया हुआ है। वहीं अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके एक्सटीरियर में इसके डायमेंशन के बारे में, तो ये नई विटारा ब्रेज़ा है वो आपको डायमेंशन के मामले में पुरानी विटारा ब्रेज़ा ही जैसी ही रहने वाली है। इसकी लेंथ रहेगी 3995 mm, इसकी विड्थ रहेगी 1790 mm, इसकी हाइट है 1640 mm और इसका व्हील बेस रहने वाला है 2500 mm। ओवरऑल देखें तो फ्रेंड ये डायमेंशन के मामले में पुरानी ब्रेज़ा जैसी ही रहने वाली है। वहीं अगर फ्रेंड थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके एक्सटीरियर में इसके लुक्स के बारे में, तो इसके एक्सटीरियर में आपको ज़्यादा चेंज न मिलते हुए इस कार में आपको न्यू डिज़ाइन फ्रंट ग्रिल मिलने वाली है विद मारुति सुजुकी की बैचिंग। साइड में आपको न्यू वाले हेडलैम्प विद LED में आपको DRL विद इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं। नीचे आपको फॉग लैंप्स मिल जाएगी। फ्रंट में और रियर में आपको स्कीड प्लेट मिलने वाली है सिल्वर कलर में। इसके अलावा इस कार में आपको LED में टेल लैम्प और 60 इंच के ड्यूअल टोन कलर में एलो व्हील जैसे कुछ चेंजिंग आपको इसके एक्सटीरियर में आपको मिलने वाला है। वही फ्रेंड अब अगर अंदर चलते हैं और बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो इसके इंटीरियर में भी आपको ज़्यादा चेंज नहीं मिलने वाले हैं। इस कार के इंटीरियर में आपको 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो सिस्टम मिलने वाला है जो मारुति की दूसरी कारों में मिलता है, जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, नेविगेशन, FM USB एंड ऑक्सिलरी जैसे शानदार फीचर्स को। इसके अलावा फ्रेंड इसके इंटीरियर में आपको वही पुराने सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। कार में आपको पुश स्टार्ट टॉप बटन, ऑटो क्लाइमेट AC, सीट हाई एडजस्टेबल, टिल स्टीयरिंग, ऑल स्टीयरिंग कंट्रोल, रियर सीट बैक पॉकेट, कप होल्डर, कूल्ड ग्लो बॉक्स, फ्रंट एंड रियर हेडरेस्ट जैसे काफ़ी सारे शानदार फीचर्स वो इस कार में आपको मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ के सेफ्टी की, तो ये कार में आपको सेफ्टी के सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। इस कार में आपको ड्यूअल एयरबैग, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, सीट बैक रिमाइंडर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, हाई स्पीड अलर्ट, सीट बैक प्रीटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे शानदार सेफ्टी के सारे फीचर्स इस कार में आपको मिलने वाले हैं। वही फ्रेंड थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस नई विटारा ब्रेज़ा की प्राइसिंग की, तो इस कार के बेस वेरिएंट LXi की प्राइस आपको 7.34 लाख से शुरू होकर टॉप एंड वेरिएंट ZXi प्लस ऑटोमेटिक की प्राइसिंग आपको 11.40 लाख तक इस कार की प्राइस रेंज जाने वाली है। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।